सो वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप वी रिलोडेड जो लेटेस्ट अपडेट आया है इसका, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। तो मैं आपको बेसिकली यहाँ पे एक आउटपुट भी बताऊंगा और इसकी इंस्टॉलेशन भी बताऊंगा कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। आउटपुट मैं आपको बेसिकली इसलिए दिखा रहा हूँ, पहले आप आउटपुट देख लीजिए कि ग्राफिक्स कैसे हो सकते हैं, तभी आप इस मॉड को परचेज करके डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉलेशन कीजिए। इसकी इंस्टॉलेशन पूरी होने के लिए आपको जो नीचे लिंक दी है पैट्रियन की, उस पैट्रियन पे जाना है, वहाँ से आपको ये फोल्डर डाउनलोड कर लेना है वी रिलोडेड का। इसको डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपने वी रिलोडेड की जो .oiv फाइल है वो आपने इंस्टॉल करनी है थ्रू OpenIV। इसकी इंस्टॉलेशन पूरी होने के बाद आपने इसके बाद अगला फोल्डर है ऑप्शनल, आपने ऑप्शनल के अंदर जाना है। तो बाकी जो भी आपको ऑप्शनल के अंदर इंस्टॉलेशन करनी है वो आप फटाफट कर लीजिए। यहाँ पर मैं उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये ऑप्शनल इंस्टॉलेशन हैं, तो मैं ऑलमोस्ट सारा ही किया है मैंने भी, ताकि आपके पास अच्छे ग्राफिक्स आ जाए। और ये आपके ग्राफिक कार्ड पे डिपेंड करती है कि आपको ऑप्शनल में क्या क्या इंस्टॉल करना चाहिए, क्या क्या इंस्टॉल करना नहीं चाहिए। इसके बाद आपने ENV वाले फोल्डर में जाना है और उसके अंदर जो फाइल है प्रीसेट की जो भी आपको चाहिए वो उठा के GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने रीशेड में जाना है और रीशेड वाले फोल्डर में जाने के बाद जो .ini फाइल है इसको आपने उठा के GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में पेस्ट करना है। रीशेड वाला सॉफ्टवेयर को रन करना है और उसके अंदर जाके आपको play GTA 5.exe को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, देन DirectX 10 11 12 को आपने सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने जो .ini फाइल आपने अभी कॉपी की थी उसको सेलेक्ट करना है, सारे के सारे प्लगइन्स को टिक कर लेना है और इंस्टॉलेशन को पूरे होने देना है। इसकी इंस्टॉलेशन पूरे होने के बाद आप जैसे ही गेम को रन करेंगे देन बूम, आपके ग्राफिक्स दोस्तों चेंज हो चुके हैं। दोस्तों आपके सामने दिख रहा है आपको, ये मैंने अपने ग्राफिक कार्ड RTX 3060 पे इंस्टॉल किया है और ये जो वीडियो और जो गेम रन कर रहा हूँ मैं उसी पे रन कर रहा हूँ। तो आप जो ऑप्शनल है अपने ग्राफिक कार्ड और अपनी रैम के अकॉर्डिंगली इंस्टॉल कीजिए, ताकि आपकी गेम ज़्यादा लैग ना करे, ताकि आपको ग्राफिक्स भी अच्छे मिले दोस्तों। एंड अगेन दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस ऐसी पसंद आती हैं तो प्लीज़ इस चैनल पे बनी रहिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके और लाइक करके इस वीडियो को अच्छा बनाइए। और आपको अगर ऐसी और भी वीडियोस फ्यूचर में देखनी है तो प्लीज़ इस चैनल को फॉलो करते रहना, क्योंकि मैं और भी अच्छे मॉडिंग वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो अगर आपको वी रिलोडेड का जो लेटेस्ट अपडेट है April 2023 अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपना ढेर सारा प्यार उस लाइक बटन पर दबा के जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।